नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक में इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो कि मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी होती है उसके बारे में, जो कि BSE के ऊपर लिस्टेड है। हम कुछ कंपनी के बारे में बात करेंगे, फिर आपस में कंपेयर करेंगे। छोटी सी लिस्ट है जिसमें कि हम अच्छी कंपनी को एक रखें। दोस्तों, कोई प्रमोशंस या एडवर्टाइजिंग या कोई भी आपको बाय और सेल के लिए कोई आपको रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, कंप्लीट लर्निंग के लिए। हमने एक कंपनी का नाम लिया जिसका नाम है प्रवेग्स लिमिटेड, और इसका स्टॉक में क्या लग रहा है मार्केट में, जो इसका ट्रेंडिंग क्या दर्शाता है। मैं इसको यदि चार्ट को देखूं तो चार्ट में ट्रेंडिंग कई बार कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जहाँ पे ट्रेंडिंग से ही पता चलता है स्टॉक का क्या रिएक्शन होने वाला है। इसके ट्रेंडिंग सीधा सीधा क्या दिखता है, तो क्या लगता है स्टॉक कभी अच्छे खासे जंप जो कि कभी था उसको तोड़ पाएगी, या स्टॉक नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसकी सीढ़ियाँ यदि हम देखें एक कम सिंपल तरीके से, जब हम किसी जगह से उतरते हैं, अपने घर के बिल्डिंग से उतरते हैं, तो ये सीढ़ियाँ नज़र आती है। और सीढ़ियाँ क्या होती है, तो सीढ़ियाँ आपको सबको पता है, और सीढ़ियाँ की जो स्टेप होती है, स्टेप हम देखें ध्यान से तो स्टेप इसी तरह से निकल के आती है जहाँ पे थोड़ी सी चलती है और थोड़ी सी गिरती है, और इस तरह के स्टेप्स इसमें हमेशा बना है। मैं इसको जहाँ भी देखूँ, कुछ पीरियड में देखूँ जहाँ से अच्छा मोमेंटल है, कहीं से नहीं है, इसको जब भी देखें इसमें हमें यही निकल के आता है। और थोड़ी बहुत इसमें प्रॉफिट जंप हुआ था मार्केट में, लेकिन ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट का और मार्केट इज़ कम्प्लीटली मार्केट रिस्क पे है स्टॉक। कोई भी इस कंपनी में की हम बात करने वाले हैं, इसमें हम देख रहे हैं केबल और केबल स्टॉक में, हाँ फिलहाल यहाँ पे देखने में आती है कुछ पीरियड के बाद। यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, जहाँ पे एक नज़र आता है ना, एक समतल देख अपनी एक ज़मीन तैयार कर रही है कोई स्टॉक, तो ज़मीन तैयार करने वाले स्टॉक में हम यदि देखें तो यहाँ पे देखिए हम इसी तरह के सिंबल्स की बात करेंगे, जहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन तैयार किया था और स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटल हुआ था। ऐसे ही रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक में अभी क्या हो रहा है, एक तैयारी कर रही है एक समतल पे अस्थिर होने के लिए। जानते हैं इसका बाकी क्या रिएक्शंस है मार्केट में, क्या क्योंकि तो इसका फंडामेंटल्स क्या क्या आकलन निकल के आता है, क्या क्या फंडामेंटल्स इस तरह के हैं, या केबल स्टॉक में ऐसे होने का निकल के आता है, हम जानने का प्रयास करेंगे। 890 के आसपास का स्टॉक है, छोटा स्टॉक नहीं है, काफ़ी कह सकते हैं 1000 रुपये के आसपास का स्टॉक है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला नियरली 1% से ज़्यादा की गिरावट, अभी तक देखने को मिला, बिकवाली का प्रेशर चल रहा है, और प्रेशर्स में यहाँ पे देख रहा था जहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी सी देखने को आ रही है। अब यहाँ पे 52 वे की हाई की बात करें तो 1300 रुपये तक किया, और लो की बात करें तो 450 पे था। इन दोनों को मैं ब्रेज निकालें तो क्या निकल के आती है, रिसेंटली वो 800 के आसपास कर रही है, और होता है करीब करीब 1750 रुपये, और 1750 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना निकल के आता है, नियरली 850 के आसपास निकल के आता है। 850 से नीचे यदि गिरती है ना, इसका ऐसा अभी ट्रेंड लगता है जहाँ पे बैक टू बैक ये गिरावट ही देखने को मिल रही है 52 वीक्स के बाद से। फेस वैल्यू 10 रुपये की है, इसका PV रेशियो की देखें तो 122 का है, पी करीब 12 का है, और ROE करीब 9-10 के आसपास निकल के आता है। और हमने पहले कहा ये जो आजकल हम कंपनी स्टार्ट किए हैं स्टडी के लिए, वो है एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया एजेंसीज वाली, जो खास के एडवर्टाइजिंग और स्मॉल कैप की कंपनियाँ ये। इसमें इस चार्ट में हमने पहले ही समझ चुके हैं स्टॉक का क्या रिएक्शंस है, और यहाँ पे देखने में आते हैं स्टॉक ने एक साल में अच्छा खासा जंप किया, लेकिन पिछले 5 दिन में क्या लग रहा है, पिछले 5 दिन में एक स्टॉक भी काफ़ी रिएक्शंस रहा है, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, काफ़ी नुकसान हुआ होगा लोगों को। एक महीने के चार्ट में देखने में आती है, 3 महीने के चार्ट और 6 महीने के चार्ट, 6 महीने से थोड़ा सा बुलिश हुआ था, लेकिन 52 वीक्स ड्रॉप के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और ये इसका ट्रेंड ये दर्शाता है, जो ये बैक टू बैक जो है ना वो गिरावट देखने को मिली है कुछ पीरियड में। यदि इसको और थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, क्योंकि पीछे का मतलब ये होता है, मैं इसको थोड़ा पीछे और ले जाता हूँ और समझता हूँ जो इसका कहाँ पे एक बना के लेके आ रही है, तो इसको हम यदि यहाँ से आंकलन करें सीधे सीधे तो अभी यहीं के आसपास खड़ी है स्टॉक्स, जहाँ पे ये इसका एक बड़ी से पुलबैक आया था जहाँ पे, और अभी वहीं पे आके अटकी है। जो कह सकते हैं इसका एवरेज निकाला जाए तो नियरली निकल के आता है, जो कि जनवरी के एवरेज था उसी के आसपास निकल के आता है स्टॉक में। और जानते हैं आगे क्या कहती है इसका फंडामेंटल्स में स्टॉक में, जो कि इसका रिजल्ट का पार्ट जो था वो 20 तारीख का इसमें रिजल्ट का पार्ट था, जो कि बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द, इसमें कुछ अपडेट आया था, हम इसको डिविडेंड का ही पार्ट था और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं।
थोड़ा सा समझेंगे, हाईलाइट देखेंगे। अभी मार्केट वैसे साइडवेज ही चलेगा, रीजन क्योंकि ये इलेक्शन चल रही है और काउंटिंग के बाद ही कुछ मार्केट हो सकता है। हम इसको देखें तो ये निकल के आते, यहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारा 27 मई को हमारा रिजल्ट और डिविडेंड का पार्ट आने वाला, तो ये कहा जा सकता है अभी 27 मई को एक ध्यान देने वाली बात है इस कंपनी के लिए, और जिसका नाम है प्रवीग्स लिमिटेड, जो कि एडवर्टाइजिंग और मीडिया में काम करती है। आगे जानते हैं इसका क्या कहती है। रिजल्ट तो आया नहीं है, रिजल्ट से पहले का साइडवेज है। इसमें थोड़ा सा हम इसके वेबसाइट्स पर देखें फंडामेंटल्स में, कंपनी कहाँ कहाँ क्या क्या एडवर्टाइजिंग और मीडिया का काम करती है, तो देखने में आती है। कंपनी की वेबसाइट्स पर काफ़ी सारा अट्रैक्टिव्स मोमेंटलेस फोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे इसके पास कुछ बीचेज के फ़ोटो, कुछ ऐसे अट्रैक्टिव्स जोन्स के फ़ोटो लगे हुए हैं, जहाँ पे तो लगता है कुछ बुकिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ एडवर्टाइजिंग्स वगैरह की बात कर रहे हैं कंपनी। इनसाइड इन द इन्फो इन लग्जरी इस क्लिप्स के साथ साथ कुछ और भी हैं इनके, देखें डिस्कवर आवर कलेक्शंस, जहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेंड सिटी ऐसा कुछ नाम्स वगैरह लिख के आ रहे हैं। ये इसका ये हम वेबसाइट इसलिए खोलते हैं क्योंकि किसी भी कंपनी को जानने के लिए उसके वेबसाइट्स पे सबसे बेहतर होता है, क्योंकि वेबसाइट्स में क्या निकल के आता है, ये दमन में है और यहाँ पे एक अभी जस्ट इसमें वहाँ भी निकल निकल के आ रहा था, जिसका नाम बनारस करके आ रहा था, जहाँ पे इनकी कुछ है जो कि एडवर्टाइजिंग्स का काम करती है कंपनी। जानते हैं आगे और समझते हैं क्या है इसका फंडामेंटल्स में। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, और डिविडेंड एक अच्छा इंप्रेशन के साथ देती है, क्योंकि 22 में उसने 4 रुपये दिया तो 23 में 4.5 रुपये दिया, और एक्सपेक्टेशन अभी 24 में है जो करीब 5 रुपये 5.5 रुपये दें, तो ये अच्छी बात है। और इसके हिसाब से यदि रिजल्ट का पार्ट देखो तो आजकल मार्केट डिजिटली डिजिटलाइज हो चुका है, और डिजिटलाइज की वजह से मार्केट का आपको पता ही, जिसकी अच्छी बोली होगी उनकी अच्छी रिवेन्यू होगा। इसी क्रम में रिवेन्यू का पार्ट्स में तो काफ़ी इंक्रीज किया, करीब डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज करता है क्वार्टरली, टू 14 करोड़ से 32-33 करोड़ पर जाती है। प्रॉफिट के पार्ट भी करीब 2 करोड़ से इंक्रीज होकर 8 करोड़ से ऊपर चली जाती है। इसी वजह से इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी इंक्रीज करता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी इंक्रीज करता है। इसकी हम यदि स्टैंड लॉन के हिसाब से ना देख के एक कंसल्टेड डेटा के हिसाब से देखें तो क्या निकल के आती है। अब कंसल्टेड डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को ये कहा जा सकता है, जब भी कंपनी जो सेल्स है इसका एक टॉप टॉप पे चल रही है, क्योंकि तो अब उसका 2020 से लेकर के अभी 24 तक का 23 तक का डेटा देखें क्वार्टरली बेसिस का, तो क्वार्टरली में सबसे जो हाई निकल के आती है 33 करोड़ के आसपास का, वो सेल्स अभी दिसंबर का था, और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मार्च का रिजल्ट और भी अच्छा हो सकता है, जिस तरह से इसका एक बेस YoY हिसाब से निकल के आती है। साथ में इसका प्रॉफिट के पार्ट देखो तो प्रॉफिट भी कार पार्ट को कहा जा सकता है, जो इसमें टॉप टू नहीं है लेकिन सेकेंड लेवल पे है। इससे पहले भी एक बार करीब 12 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, लेकिन फिलहाल इसमें 8 करोड़ के प्लस प्रॉफिट है, और इसी हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो मार्च का क्वार्टर होगा, मार्च में और भी अच्छा रिजल्ट निकल के आया, जो कि हम यदि इसको देखें प्रॉफिट लॉस के हिसाब से तो एक अच्छा 84 करोड़ के आसपास मार्च 23 के अंदर था, तो मुझे लगता है अभी 100 करोड़ उससे ज़्यादा का 100-120 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है नियरली, मुझे लगता है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। इसके साथ साथ देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी के पास करीब 48% होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और 51-52% की होल्डिंग आम पब्लिक के में पब्लिक के पास है। आम पब्लिक में जो इस कंपनी में देखा जाए तो कोई भी बड़ी DI और FI की नाम नहीं आता, लेकिन फिलहाल पहले कुछ क्वार्टर्स में नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ स्मॉल कैप के अंदर भी कुछ बड़े DI और FI अपनी पोजीशन को इनबिल्ट कर रहे हैं, तो देखा जाए इनबिल्ट कैसे हुआ, क्योंकि पोजीशंस प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को बिकवाली किया, और पोजीशन बिकवाले में करीब जो 2% बिकवाली किया, वो 2% क्या होता है, 2% में DI और FI ने थोड़ा सा खरीदारी किया, देखा जाए तो मार्केट में इसने 2% की 2% ने 54% से 48% पर लेके आई है, तो यहाँ पे इसके पास कई बार वहाँ इसने फरवरी में अपने पोजीशन को कम किया था, मार्च में भी कम किया, तो प्रमोटर यहाँ पे अपने बैक टू बैक पोजीशन को बिकवाली कर रहे हैं, पहले कभी 57% 52% और 54-55% के आसपास था, फिलहाल इसके 48% है, और FI ने यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन लिया है जिसमें गोल्ड माइंड का नाम आता है, गोल्ड माइंड जो कि एक बड़ी फॉर्म है। इसके साथ साथ DI की बात करूँ तो DI में यहाँ पे कौन से बड़े लोग हैं, तो DI में एक टाटा म्यूचुअल फंड और
कोटक महिंद्रा ने, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस जो है उन्होंने अपनी पोजिशन को 1-1%, 2-2%, 1-1% के आसपास इंक्रीज किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में कुछ बड़ी चेहरा की बात करें तो कोई निकल के नहीं आता। एक ही नाम निकल के आता जिसका नाम कुछ शाह है, जिनके पास 1% से ज़्यादा की पोजिशन है, बाकी किसी के पास पोजिशन नहीं है। कम्प्लीटली इज 1% से नीचे वाले पोजिशन में है, और हो सकता है ट्रेडर के पार्ट हो या इन्वेस्टर के पार्ट हो। इसमें कोई भी प्लेजिंग का ऑप्शंस नहीं है कंपनी का। साथ में देखें एनालिसिस के पार्ट में, जहाँ पे हम कंपनी को देखें पिछले 5 सालों में, तो ये एक कहा जा सकता है जो पिछले 5 सालों में कंपनी ने मल्टी वेगस रिटर्न दिया है, कहते हैं जिसको करोड़पति बनाना अपने शेयर होल्डर को, तो ऐसे ही अपने शेयर होल्डर को करोड़पति बना चुका है। इसको 5 साल में देखा जाए तो कंपनी करीब 22,000% का जंप है, और इस तरह के जंप 5 सालों 8 सालों में बहुत कम ही देखने को मिला है। 3 सालों में करीब 1200%, 2 सालों में करीब 440%, और उसके बाद थोड़ा सा गिरावट ही गिरावट देखने को मिला, जैसे कि हम चार्ट में देख रहे थे, क्योंकि तो जब यहाँ पे मोमेंटल्स आया था वो मोमेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग था। स्ट्रांग के बाद थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटल्स थोड़ा सा चेंज हुआ, और इसी क्रम की बात करूँ तो यहाँ पे सेम फिगर आउट निकल के आती है। मैं यदि उसको थोड़ा सा आंकलन करूँ यहाँ से, तो यहाँ पे क्या था, मार्केट में थोड़ा सा स्लोटी नज़र आता था, लेकिन यहाँ पे एक पुल बैक के बाद थोड़ा सा दोबारा वहीं पे आके अटकी है, और यहाँ से मोमेंटस क्या लगता है, ये रिजल्ट से पहले का रिएक्शंस हैं या कुछ साइडवेज है, इसको समझना। एक एक्सपेक्टेशन हिसाब से फंडामेंटल्स तो देखने में स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स के हिसाब से यदि हम केबल और केबल हाईलाइट देखें प्रॉफिट लॉस को और एक कंसोलिडेटर के हिसाब से, तो कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को आती है, क्योंकि रिवेन्यू काफ़ी इंक्रीज करता जाता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज किया है। 3 महीने में काफ़ी कंपनी में गिरावट है, और रिसेंटली एक डेट फ्रेम के हिसाब से देखा जाता है, यदि डेट फ्रेम के हिसाब से हम कभी कम कंपेयर करते हैं स्कोर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, गिरावट देखने को मिली है, कभी बार प्रॉफिट देखने को मिलती है, तो ये हमने इसको समझने का प्रयास किया। साथ में इसका देखें तो काफ़ी मोमेंटल नहीं है, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी तेज़ी नहीं होती, काफ़ी कम स्टॉक्स हैं देखा जाए तो। इसके जो सबसे पियर्स कंपनी है जिसमें साइन पोस्ट है, आर के स्वामीज हैं, और हम और भी बातें करेंगे इसमें, अब सभी कंपनी का एक कंपेरेटिव देखेंगे जो कौन सी हमारे इन चारों कंपनी में कौन से परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। इसको हमने वेबसाइट्स पे देखा, इनकी सारी एडवर्टाइजिंग चलती है, जो कि देखेंगे जहाँ पे इनकी फॉरन में भी शायद इनकी चलती है, ऐसा कुछ निकल के आता है। देखूँ तो एक अयोध्या में इनकी दिखती है, जहाँ पे अयोध्या में काफ़ी ये इनकी एडवर्टाइजिंग वगैरह चलती है। अब जाने हम इसका पीएस कंपनी यहाँ पे देखें तो इन भी निकलता है इंडियन होटल्स आई, तो यहाँ पे होटल्स वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको देखा जाता है, लेकिन हम इसको देखें तो एडवर्टाइजिंग वाली कंपनी में निकल के आती है। तो ये कई बार ऐसा सेक्टर वाइज यहाँ पे देखने में आती है, जो पीएस कंपनी में होटल और रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ पे देखने में आती है जो कंपनी की जो है वो क्या है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज के अंदर लिस्टेड है। तो लेकिन यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या है इनकी वेबसाइट्स पे, तो क्या है ये टेंट सिटी अयोध्या, अयोध्या बेसिकली इनकी होटल्स भी हैं, होटल्स इंडस्ट्रीज में भी काम करती है कंपनी। तो इस तरह से इनकी दो जो लिस्टिंग करवाए थे वो बीएससी के ऊपर करवाए थे एडवर्टाइजिंग को लेकर के, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया होगा, होटल इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम करती है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।